Good morning, student. Welcome to Lakshya Jyoti. Today we will continue our chapter 10, class 8. ये last video में हमने बात करी थी कि कैसे ये जो pictures हैं, ये जो दो picture हैं हमारे पास, ये वाले picture और ये जो हमारे पास नल और दमयंती की जो picture है और या फिर माता काली की जो picture है, इस तीनों picture से हम देख सकते हैं कि कैसे उस वक्त के artists की जो themes थे या फिर जो पेंटिंग स्टाइल थे वो कैसे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हो रहे थे. जैसे वेस्टर्न कल्चर में रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने का वो चलन था, तो ऐसे इसमें अब जैसे इसमें पेड़ पौधे ये सारे ऐड किए हुए हैं जो इस पिक्चर को रियलिस्टिक बनाते हैं. और तो ये हम देख सकते हैं, या फिर ये माता काली की फोटो है और ये पीछे पहले भी माता काली की फोटो बनाई जाती थी पर ऐसे वाले पिक्चर्स नहीं बनाए जाते थे. ये पीछे का जो सीन है, बैक सीन्स जो हमने पहले भी पढ़े कि कैसे उसको पर्सपेक्टिव को कैरी करते थे यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, तो इन सब चीजों को हम ये देख सकते हैं. दिस इज अ वेस्टर्न एपिक, तो ये सारी चीजें ऐड की गई है. और आप ये भी देख सकते हो कि इसमें थीम्स चेंज है. एक तो हमारा ये पहले वाली जो हमारी ड्राइंग है, इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ का सोशल कल्चर कैसा हो रहा था वेस्टर्न इंडिया में. मैजिकल भी टॉपिक होते थे, तो इस तरह से उस वक्त के आर्टिस्ट जो थे किस तरह से धीरे धीरे चेंज हो रहे थे. जो हमारे पुराने नेशन मटेरियल, एवरीथिंग इज बीइंग चेंज्ड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है भारत माता की तस्वीर. आप देख रहे हो ये प्रिंट जो थी, प्रिंट पेंटिंग थी ये, तो इस प्रिंट मीडिया का बहुत सहारा लिया जाता था उस वक्त. ये देखो ये जो पिक्चर बनी है, जैसे तो नेशनलिज्म जो लोग नेशनलिस्ट लोग जो थे उन्होंने नेशनलिज्म के प्रचार के लिए भी उसको इस पेंटिंग पेंटर्स का सपोर्ट किया और पेंटर्स ने भी सपोर्ट किया क्योंकि पेंटेड पिक्चर्स जो होती थी वो बहुत चीप रेट में सबको अवेलेबल. पुअर्स गांधी की, अब्दुल कलाम आजाद हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत सब लोग दिख रहे हैं इसमें करीब करीब. तो इस तरह से जो हमें उन्होंने इस तरह की पिक्चर्स उस वक्त के पेंटर्स ने बनाई और प्रिंट की और ये पूरे इंडिया में एक तरह से मतलब फैल गई थी. इस तरह की जो पिक्चर्स थी सब लोग इसे बाय करते थे क्योंकि ये बहुत चीप होती थी, तो पुअर्स कैन बाय. तो ये और तो जब हर लोग इसे देखता था और समझता था कि भाई हमारे यहाँ ब्रिटिश जो है रूल कर रहे हैं. और इस तरह से गांधी जी को भी और उस वक्त के नेशनल लीडर्स को भी नेशनलिज्म के फीलिंग्स को स्प्रेड करने में ये बहुत ही सपोर्ट मिला उस वक्त के पेंटर्स. हम ये देखते हैं द सर्च ऑफ नेशनल आर्ट. अब टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी स्ट्रॉन्गर कनेक्शन वॉज स्टैब मॉडर्न एंड इंडियन. तो वो ऐसे ड्राइंग बनाना चाहते थे जो आज प्री मॉडर्न ना लगे, मॉडर्न लगे और इंडियनिटी भी हो उनके में, एक इंडियन टच भी दिखे, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का वो नहीं चाहते. तो उनको इस चीज को उन्होंने नाम दिया नेशनल स्टाइल. तो नेशनल स्टाइल का मतलब मॉडर्न विद इंडियन स्टाइल. तो इस तरह की जो उस वक्त के जो पेंटर्स थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, इस स्टाइल को, नेशनलिस्ट स्टाइल इसको. राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु सपोर्टेड नेशनल स्टाइल पेंटिंग्स. क्योंकि वो राजा उनका क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो केरल के त्रावणकोर के महाराजाओं के फैमिली से थे, इसलिए उनको राजा कह के ही मतलब बुलाया जाता था, उनको संबोधित किया जाता था. तो उस समय जो उन्होंने ऑयल पेंटिंग की या फिर रियलिस्टिक पेंटिंग की, उस वो इतने ज्यादा उसमें डेक्सट्रिटी उन्होंने हासिल की, इतने पारंगत हो गए थे कि उन्होंने बहुत सारे ड्राइंग बनाए और बहुत सारे ये जो थे पुराने मतलब बहुत सारे जो माइथोलॉजिकल और उस थीम पे बहुत सारे ड्राइंग बनाई उन्होंने. रामायण और महाभारत ऐसे बहुत सारे इसमें बेस पे, रामायण और महाभारत के जो सीन्स है उसके बेस पे बहुत सारे ऐसे ड्राइंग उन्होंने बनाई जिन्हें जो बहुत पॉपुलर हुई. बम्बई प्रेसिडेंसी की यात्रा भी उन्होंने की और उस समय उन्होंने मतलब इतना उन्होंने देखा कि कैसे लोग ड्राइंग बना रहे हैं और वहां से मतलब इतने वो इम्प्रेस हुए, इतने इंस्पायर हुए, उन्होंने बहुत ऐसे ड्रामेटिक सीन बनाए अपने ड्राइंग.
तो आज भी राजा रवि वर्मा जो है वो बहुत फेमस है और बहुत ही मतलब यूनिक टाइप के जो पेंटर हैं। तो इस तरह से राजा रवि वर्मा जो थे उनकी पेंटिंग के थ्रू ये जो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच का जो डिफरेंस था उसके बीच की एक उन्होंने उसके बीच का एक तरीका निकाला। तो ये दोनों कल्चर्स के को बहुत हद तक तो करीब लेकर आया जो नेशनल स्टाइल के जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाए जो पुराने माया थीम्स वही होती थी पर स्टाइल आज का होता था। बहुत सारे ऐसे उन्होंने बनाए जिसे कि देख के हम कह सकते हैं कि बहुत उन्होंने बहुत काम किया बहुत कंट्रीब्यूट किया अपने पेंटिंग्स के थ्रू वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल को मिक्स करने में। डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट अगर हम बात करें तो बंगाल के जो भी नेशनलिस्ट जो पेंटर्स होते थे नेशनलिस्ट पेंटर आप समझ में आ गया ना वैसे लोग जो थीम तो इंडिया का रखते थे लेकिन स्टाइल जो था वेस्टर्न में अपनी पेंटिंग्स में नेशनल रियलिज्म ऐड करते। तो बंगाल में जो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर उनके जो नेफ्यू थे अरविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था इसमें। और उसके राजा रवि वर्मा की कला को बेस करके उन्होंने बहुत सारे ऐसे उन्होंने आधा पश्चिमी रंगन को कहकर हटा दिया कि ये शैली राष्ट्र के प्राचीन जो मतलब इंडिया की जो पुरानी जो तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन उनका मानना था कि पेंटिंग्स जो है असल में इंडियन जो स्टाइल है जो वेस्टर्न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और वो बिल्कुल टेम्पररी मतलब पारंपरिक तरीका होना चाहिए। और उनका कहना था कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये पेंटिंग शुड बी स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द मतलब स्पिरिचुअली होना चाहिए ये। तो उन्होंने क्या किया कि दे ही ट्राइड टू कैप्चर द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ ईस्ट। तो मतलब उनको वेस्टर्न कल्चर बोला था ब्रिटिशर्स के कल्चर को और हमारे कल्चर को ईस्टर्न कल्चर बोलता था। तो सो दे ब्रोक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक स्टाइल और टर्न द इंस्पिरेशन ऑफ मेडिवल इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एंड एंशिएंट आर्ट ऑफ म्यूरल जो इस तरह की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई ये इस तरह की पेंटिंग जो रियलिस्टिक भी लगती थी और मतलब स्टाइल भी उनका इंडियन था और थीम भी इंडियन होता था। तो जैसे अजंता केव्स पे बने हुए हैं उसके इस पे तो देवर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ जापानीज आर्टिस्ट हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एशियन आर्ट मूवमेंट। तो वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पिक्टोरियल एलिमेंट इन सम ऑफ द इंडियन स्टाइल पेंटिंग। बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं जैसे अरविंद्रनाथ टैगोर वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत मिनिएचर्स। तो उन्होंने बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे पेंटिंग बनाई जो इंडियन बेस्ड थी। सम बहुत सारे ऐसे थे सम सॉ इट इज द सेंटिमेंटल अदर्स थॉट द स्पिरिचुअल कुड नॉट बी सीन एज अ सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो दे फेल्ट दैट आर्टिस्ट हैड टू एक्सप्लोर रियल लाइफ इंस्टेड ऑफ इलस्ट्रेटिंग एंशिएंट बुक। तो लुक फॉर द इंस्पिरेशन एंड लिविंग फोक आर्ट एंड ट्राइबल डिजाइन रेदर देन द एंशिएंट आर्ट फॉर्म। तो अभी जो आप देखते हो जो इतने सारे तरह के हमारे यहाँ पेंटिंग बनती हैं तो कोई वेस्टर्न स्टाइल की होती है कोई नेशनल स्टाइल की होती है कोई ऐसी होती है जो बेस्ड होती है इंडियन स्टाइल की जो अजंता केव्स के ऊपर बनाते हैं पेंटिंग। तो ये सारी चीजों से हमें ये समझ में आता है कि हाउ इंडियन पेंटर्स और पेंटिंग इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स एंड हाउ वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस आर आर्ट। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये जो हमारा टॉपिक था वो इसी के बेस पे था और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगा। ये मैंने चार वीडियो बनाए हैं ताकि बहुत ज्यादा टाइम का नहीं है ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे सारी कुछ चीजें जो थी विद इन 17th से 18th और 18th से 9th सेंचुरी में कैसे चेंज होती थी।
क्योंकि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो समझ में ना आया हो, हालांकि मैंने कोशिश तो करी है अच्छे से, लेकिन अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपके पास तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।